So hey everyone, welcome back to my channel. And in this video I am going to discuss the question answer from unit number 7 and 8. 7 है आपकी second generation romantic poets and 8 है आपकी Victorian poets. मैं इसी में कवर करने की कोशिश करूँगी क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी मैंने बना दी हैं. तो अगर मैं बात करूँ रोमांटिक में, तो रोमांटिक में आपको पता है कौन कौन से पोइट आते हैं, जैसे कि कीट्स और शैली आते हैं. अगर सेकंड जनरेशन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपको यूनिकनेस दिखानी है बैरन एंड शैली की, तो आपको दोनों ही पोइट्स के बारे में लिखना है. मतलब कि आपको दोनों पोइट्स की पोइट्री की क्वालिटीज़ लिखनी है, क्योंकि यूनिकनेस दिखाना है आपको कि वो कैसे यूनिक है. तो उनकी पोइट्री के बिहाफ पर ही हर एक पोइट जो होता है वो यूनिक होता है. जैसे शैली ने अपनी पोइट्री लिखी है ट्रम्प ऑफ लाइफ, तो आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग. उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू मैंने जो लिखा हुआ ट्रम्प ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें दो पोइट्री ही हैं, ट्रम्प ऑफ लाइफ और हाइपेरियन है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते हैं. तो ट्रम्प ऑफ लाइफ की भी आपको छोटी सी समरी पता होनी चाहिए कि होता क्या है इसमें. तो जो पोइट है वो अपने आप को सोच रहे होते हैं कि, मतलब वो मेनली रात में लेटे होते हैं, उनको नींद नहीं आ रही होती, रेस्टलेस उनकी जो रात होती है वो रेस्टलेस होती है, उन्हें स्लीपिंग उन्हें नींद नहीं आ रही होती, तो क्या क्या चीज़ें सोच रहे होते हैं उन चीज़ों को आपको इसमें लिखना है. हाइपेरियन में आपको पता है कि दो जनरेशन के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट में था. तो पैराडाइज लॉस्ट में भी जो सेटन है उसे निकाल दिया जाता है, गॉड उन्हें भगा देते हैं वहाँ से, हेवन से, एंड देन वो उसे हेल में डाल देते हैं. ऐसे ही हाइपेरियन में है दो अलग अलग, जैसे कि ओलंपिक्स के गॉड हैं और जो न्यू गॉड है, इन दोनों के बीच में, मतलब कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के बीच में जो गैप होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर लड़ाइयाँ होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको शो करना है. जो कि हाइपेरियन जो है वो कम्प्लीट वर्क नहीं है, बट स्टिल जितना भी है आपको उतना एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्यूएट द ट्रम्प ऑफ लाइफ. अब दोबारा से आगे की ट्रम्प ऑफ लाइफ को इलेबरेट करना है. तो उस ट्रम्प ऑफ लाइफ के ऊपर कोई भी जो भी क्वेश्चन आता है, डजेंट मैटर वो क्या पूछ रहा है, आपको मेनली उसमें उस चीज़ के उसी पोइट्री की समरी या फिर एनालाइज लिख देना है. तो ट्रम्प ऑफ लाइफ बहुत ही हार्ड पोइट्री में से काउंट होती है, तो इसकी कुछ आप एक समरी बना लीजिए, मतलब कि गूगल से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जितना कि आप उसे हर एक क्वेश्चन में चिपका सके कि हाँ कुछ भी क्वेश्चन आए आप वही पेस्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आएगा ही आएगा, चाहे इस पे क्वेश्चन आ जाए, आरटीसी आ जाए. क्वेश्चन नंबर 4 है आपको हाइपेरियन में एपिक एलिमेंट्स बताने हैं. तो एपिक क्या होती है, लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है, उसमें एक मेन नैरेटिव हीरो होता है. तो हाइपेरियन किस तरीके से उस एलिमेंट में, उस एपिक फ्रेमवर्क में फिट होती है. तो हाइपेरियन में पहली बात तो ये कि गॉड्स को शो कर रखा है, तो एपिक में क्या होता है, गॉड्स का इंटरफेयर होता है, जैसे कि आपने एपिक पढ़ी है इलियड, तो उसी तरीके से. तो हाइपेरियन में भी वही है, आपने देखा है कि दो अलग अलग जनरेशन्स की गॉड है, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा, तो इस तरीके से ये एपिक एलिमेंट के अंदर आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 है अटेम्प्ट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द ट्रम्प ऑफ लाइफ. देखिए ट्रम्प ऑफ लाइफ दोबारा से आया है, मतलब 3-4 बार ही आएगा और आगे भी शो करेगा क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में भी. तो मतलब ये है कि ये पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो सिंपल आता है, कोई भी मोल्डेड नहीं होता है, आपको सिंपली पता चल जाएगा कि ये उसी की पोइट्री में से क्वेश्चन लिया गया है. तो शैली का वर्क है. उसके बाद इसमें क्वेश्चन इतने ही थे, उसके बाद इसमें आरटीसी बहुत आती है. आरटीसी मैंने यहाँ पे कुछ लिख दी हैं, कुछ 4-5 जो भी मुझे लगी थी, मिली थी, मैंने उन सबको लिख दिया है, हाइपेरियन और दोनों में से. आप एक बार चेक कर लेना ये सारी आरटीसी, ताकि अगर पेपर में इनमें से कोई आरटीसी आए तो आप एटलीस्ट उसे ईजिली डिटेक्ट कर सकें. क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूँ ये वाली आरटीसी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या पता इस बार के पेपर में उसके नेक्स्ट स्टैंजा में से कोई आरटीसी आ जाए, फिर उसके प्रीवियस स्टैंजा से आरटीसी आ जाए, तो वो एक ऐसी चीज़ है कि कोई बता नहीं सकता है. लेकिन हाँ, अगर आपको पोइट्री पता है, पोइट्री की समरी पता है, देन यू कैन ऑब्वियसली अटेम्प्ट द आंसर, आप उसमें कुछ तो लिख ही देंगे. उसके बाद बात आती है, ये तो था कि नॉर्मल रोमांटिक पोइट्री में से उसके सेक्शन में से क्या क्या पूछा जाता है. देन बात आती है विक्टोरियन पोइट्स की. विक्टोरियन पोइट्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विक्टोरियंस में बहुत सारे पोइट्स हैं, जैसे कि ब्राउनिंग है, ऑस्कर वाइल्ड है, डी जी रोजेटी है, और जो क्रिस्टीना रोजेटी हैं ये हैं. तो ये 4-5 पोइट हैं, पोइटेस हैं, तो इनके वर्क इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें पहला तो एक क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखिए, आपको दे रखा है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो ब्लेस्ड डेमोजल है उसे एक्सप्लेन करिए और दिखाइए कि फिजिकल और आफ्टर वर्ल्ड की जो लाइफ होती है वो किस तरीके से कनेक्ट करती है. आपने रोजेटी का ये वाला वर्क पढ़ा हुआ है, द ब्लेस्ड डेमोजल, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है सिंपली, आपको जितनी भी इनसे रिलेटेड चीज़ें पता है, और प्लस ये चीज़ें दिखानी है. आपको मेन जो कंसर्न है वो आपको ये होना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड, मतलब कि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं,
एंड द वर्ल्ड आफ्टर द आफ्टर लाइफ, कि हमारे मरने के बाद का जो वर्ल्ड है उन दोनों के बीच का कनेक्शन शो करना है इस पोइट्री के थ्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू देखिए, द ब्लेस्ड डेमोजल, सिंपल सा एक नेवर एंडिंग एक क्वेश्चन दे रखा आपको, सिंपल सा कि आपको उसी के ऊपर लिखना है, कोई भी क्वेश्चन मोल्डेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको उसकी समरी पता होनी चाहिए। इसी में था द बिशप ऑर्डर्स हिज टोम, ये भी आप देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल ही पोइट्री ही है। इस वाले सेक्शन में ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन घुमा फिरा के आते हैं, बहुत ही सिंपल सा एक नवर एक क्लियर कट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आपको सीधे सीधे पोइट्री को एनालाइज करना होता है। क्वेश्चन नंबर इसी में है चाइल्ड इसी में क्वेश्चन नंबर जो थ्री है वो क्या बोल रहा है, चाइल्ड रोलैंड का, ये भी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक बिल्कुल ही क्लियर कट है, आपको सिंपली इसमें इसकी पोइट्री लिख देनी है, आपको जो भी पता है, नहीं पता है तो इसके ऑप्शन में कोई भी क्वेश्चन आता है वो कर लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ पोइट्री हैं एम ई जी वन में जो कि बहुत ही बकवास है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है विक्टोरियन पोइट्स के बारे में पूछा है, विक्टोरियन पोइट्स लैक द फायर एंड पैशन विच वी फाइंड इन द पोइट्स ऑफ रोमांटिक। इसमें आपसे पूछा गया है कि विक्टोरियन पोइट्स में वो फायर नहीं था, वो पैशन नहीं था जो कि हम रोमांटिक पोइट में देख सकते हैं, बट दे एक्सेल देम इन ब्रेथ ऑफ आउटलुक एंड वैरायटी ऑफ मेथड। तो आपको ये बताना है क्या हुआ था, मतलब आपको दो चीज़ों का कंपेयर करना है, एक तो रोमांटिक पोइट्स को करना है, विक्टोरियन पोइट्स को करना है। रोमांटिक पोइट्स जो थे उन्होंने अपने अपने क्या क्या मेन मुद्दे उठाए थे, उसके बाद विक्टोरियन पोइट्स ने अपने क्या मेन मुद्दे उठाए थे जो कि रोमांटिक से अलग थे। तो आपको दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके इस आंसर को शो करना है कि हालांकि वो रोमांटिक पोइट नहीं थे बट स्टिल उनके पास ऐसे उनके मैथड्स थे, ऐसे वो थीम्स यूज़ करते थे जो कि उस टाइम के लिए वैल्यूएबल थी। क्वेश्चन नंबर फाइव है पोर्फेरियस लवर पे, या फिर आपको चाइल्ड रोलैंड वाला जो क्वेश्चन है पोइट है उसके ऊपर कमेंट करना है। तो इसमें मैं बोलूँगी कि पोर्फेरियस लवर बहुत इजी पढ़ता है क्योंकि इसकी समरी बहुत इजी है, स्टोरी बहुत ही सिंपल है, एक लवर की कहानी, एक साइको लवर की कहानी आपको लिख देनी है। अगर आप दो चार चीज़ें अपनी तरफ से भी जोड़ देंगे तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि एक मुद्दा मेन क्लियर होना चाहिए कि उसमें मेन मेन चीज़ें थीम क्या हो रही हैं। उसके बाद आप उस साइको को कितना साइको बना सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने वर्ड्स को किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, इसमें आपको फीचर्स चीफ फीचर्स डिस्कस करने हैं प्री रेफेलाइट मूवमेंट के। तो इसमें आपको रोजेटी की पोइट्री के फीचर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट था उसमें उसको रोजेटी और उनके कुछ ग्रुप्स ने मिलकर स्टार्ट किया था, कुछ उनके फ्रेंड्स ने, उनका जो भी लिटरेरी ग्रुप था उसने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर सेवन दिया हुआ है, कंसिडर द सिंपथीज ऑस्कर वाइल्ड सीक टू अराउज इन द बैलेड ऑफ रेडिंग गोल। तो इसमें भी आपको सिंपली एक पोइट्री की समरी लिख देनी है। तो अब के जितने भी पोइट हैं या फिर पोएम्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3 इन सबको छोड़ दिया जाए, 4, 5 भी छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद के जितने भी यूनिट्स हैं मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा क्लियर कट क्वेश्चन पूछती है। सिंपली आपको उस पोइट्री का क्वेश्चन लिख देना है, पोइट्री आपको जितने भी आते हैं एनालाइज कर देना है। वही मैं बात करूँ कि चौसर स्पेंसर इन सब की अगर मैं बात करूँ तो उनमें बहुत ही क्वेश्चन मोल्ड करके आता था और बहुत उसमें बैकग्राउंड को रिलेट करना पड़ता है। जैसे अभी आपने देखा होगा अगर आपने पुराने कुछ वीडियोज़ देखी हैं तो। क्वेश्चन नंबर एट है, इसमें क्या बताना है, इसमें भी आपको पोर्फेरियस लवर या फिर बिशप ऑर्डर हिज टॉम इस वाले क्वेश्चन में से किसी भी एक पोइट्री को एनालाइज करना। तो बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है अगर आप यूनिट नंबर एट कर रहे हो तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि इसमें कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बिल्कुल ही क्लियर कट क्वेश्चन है। समरी पता है तो आप कर पाओगे, समरी नहीं पता है देन ऑब्वियसली यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट, बट उसकी जगह पे आप कोई और क्वेश्चन कर सकते हो। तो एक समरी अगर 5 मिनट की भी कोई वीडियो है, 5 मिनट की भी किसी की समरी आपको गूगल पे मिल रही है, एक बार जस्ट ओवर थ्रू कर लीजिए, गो थ्रू हो जाइए उससे, ताकि अगर पेपर में आता है तो एटलीस्ट आप उस क्वेश्चन को कुछ तो मोल्ड करके लिख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इसमें आपको ब्लेस्ड डोमेजल को एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं इस सेक्शन में से बात करूँ तो मैक्सिमम क्या आ रहा है, बार बार मैक्सिमम बार बार द ब्लेस्ड डेमोजल आ रहा है। देखा आपने कि लगभग 3 या 4 बार आ चुका है, उसको छोड़ के क्या आ रहा है, पोर्फेरियस लवर आ रहा है और द बैलेड और आ रहा है बिशप ऑर्डर हिज टॉम। ये 3-4 पोएम है जो बार बार रिपीट हो रही हैं। तो यही है कि आप इन सब 3-4 को अच्छे से कर लीजिए, कुछ की पॉइंट्स लिख लीजिए अपनी कॉपी में, पेज पे जहाँ पर भी लिखना है, ताकि अगर पेपर आए तो एटलीस्ट आप उन कुछ की पॉइंट्स आपके माइंड में रहे, उनको आप एक्सप्लेन कर पाएँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे माइंड में पर हम स्किप कर देते हैं, भूल जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने वो कोई ना कोई चीज़ कहीं ना कहीं लिखी हो, ताकि आपके माइंड में वो 4-5 पॉइंट्स रहें जब आप उन्हें एक्सप्लेन करें तब।
ओके, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मॉडर्निस्ट पोइट पे होगी, मतलब कि यूनिट नंबर 9 पर होगी. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय.